एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर नॉन टीचिंग पोजीशन पर हो, उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं तीन ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ से रिसर्च असिस्टेंट्स, प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स और जूनियर रिसर्च फेलो से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, फॉर्म को अप्लीकेंट करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है इनके नोटिफिकेशन में, उन सभी चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि असम में इस्टेब्लिश्ड है, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है और यहाँ 10 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था जिसमें आप लोगों को इनवाइट किया हुआ है सोशल कल्चर डिपार्टमेंट कम्युनिटी अवेयरनेस ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पेटेंट्स ऑफ सब्सटेंस यूज डिजास्टर इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो पोस्ट है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा उसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है और आप लोगों से जो वर्क लिया जाएगा वो 6 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पर भी लिया जा सकता है, जिसमें डिब्रूगढ़, टिनसुकिया, कचर, करीमगंज एंड 2 डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है, नमशई और चांगलांग में से कहीं पर भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन सोशल साइंस से पास आउट किया हुआ हो, साथ ही 2 ईयर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस हो या पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस से आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर का कुछ नॉलेज आपके पास हो तो आप इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 28,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें 9% HRA लेके आपको 30,520 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखा गया है जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 जून 2024 से पहले आप इस फॉर्म को इस ईमेल पर अपना एप्लीकेशन आपको सेंड कर देना है ताकि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहां पर इनवाइट किया जा सके इंटरव्यू में और जो लोग भी यहां सिलेक्टेड होंगे उन्हें यहां अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगला जो रिक्रूटमेंट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से निकल कर आया हुआ है, यहां पर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3rd और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं और आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अपनी एक CV देनी होगी जिसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ आपका जो एड्रेस है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी, साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को का फ़ोटो स्टेट लगाना होगा जिसे आप सेल्फ अटेस्टेड करके इस ईमेल पर 18 जून 2024 से पहले आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एक पोस्ट है जिसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स मांगा गया है और 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो टोटल सैलरी है 33,040 रुपये पर मंथ की प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगला जो हमारा यूनिवर्सिटी है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा से निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट जो नॉन मेडिकल का पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, टोटल 1 ईयर्स के लिए आपको यहाँ अपॉइंट किया जाएगा, एज लिमिट 35 ईयर्स मांगे गए हैं। सैलरी अगर या फिर फेलोशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 56,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ 9% का HRA आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से पास आउट हुए हैं, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc न्यूरो साइंस, MSc मोलिकुलर बायोलॉजी, MSc जेनेटिक्स, लाइफ साइंस एंड रिलीवेंट किसी भी फील्ड से, या फिर आपके पास MBBS, BTech या उससे रिलेटेड कोई
सर्टिफिकेट है या डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 18 जून रखा गया है और इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो भी आप लोगों का 18 जून का ही टाइमिंग रखी गई है। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो यहाँ पर अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स है इसी वेबसाइट पर जाकर आप देख लें। और यहाँ पर ये इनका ईमेल दिया गया है जहाँ पर आपको अपना सारा फॉर्म सेंड करना है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।